अगर हौसले बुलंद हों तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ भीलवाड़ा की मांडल की मुस्कान ने कर दिखाया। बचपन से क्रिकेटर बनने का सपना संजोए 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा मुस्कान बानू बिसाइती ने संसाधनों की कमी और घर की जिम्मेदारियों के बीच क्रिकेट खेलना सीखा। मां की डांट फटकार के बावजूद मुस्कान ने अपने मन में क्रिकेटर बनने का सपना संजोए रखा। जब मुस्कान के सपने का पता उसके छोटे दादा को लगा तो उन्होंने एक छोटे कमरे में ही ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। मुस्कान के पिता इकबाल हुसैन मदरसा बोर्ड में संविदा पर 2008 से अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी बेटी को करौली में आयोजित स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीधा मौका मिलते ही भेज दिया और मुस्कान ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उसे बिहार में आयोजित 29वें जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2021-22 में हिस्सा लिया और रनअप के रूप में सिल्वर मेडल जीता। तो क्या है कि ये सबसे पहले बच्ची जो है ना टीवी वगैरह देखती थी और टीवी देखने के साथ साथ जो है मैं भी इसी जॉब में जुड़ा हुआ था। फिजिकल टीचर था मैं भी और ये क्या कि इसके शौक की वजह से जो है इसने एक दिन जाहिर किया कि मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। तो इसको क्रिकेट खेलने के लिए मैंने इसको थोड़ा प्रोत्साहित किया और इसको बैट वगैरह दूसरे तीसरे नियम वगैरह दूसरे सब बताना शुरू किया और घर पे ही इसको प्रैक्टिस के ऊपर किया इसको। मैं बचपन से टीवी में क्रिकेट देखती थी और मुझे खेलने का भी बहुत शौक था। टीवी में देख देख के मैंने क्रिकेट सीखा। फिर मेरे दादाजी जो कि कोच है वो मुझे उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया। बचपन में मैंने कपड़े धोने के से जो धोना आता है मैंने उससे क्रिकेट सीखा। मुझे पहले चांस में फिर मैं धीरे धीरे क्रिकेट सीखने लगी। फिर मेरे पापा ने मुझे पहले चांस में नेशनल में क्रिकेट खेलने के लिए भेजा। फिर स्टेट में क्रिकेट खेलने के लिए भेजा। फिर मैं नेशनल खेलने गई। फिर पहले चांस में मेरा सिलेक्शन हो गया। जब ये छोटी थी 7वीं 8वीं में पढ़ती थी तब से इसकी लगन लगी हुई थी क्रिकेट में। कोई भी मैच आता काम काज छोड़ के मैच देखने लग जाती थी। जब उसकी मम्मी डांटती थी तो मैं इसका समर्थन करता था। जब मेरे अंकल रिटायरमेंट हुए तब मैंने उनको इसकी भावना की बात की तो उन्होंने रात दिन इनको प्रैक्टिस करवाई और इसको सारे गुण सिखाए। एक छोटे से कमरे के अंदर कपड़े धोने के धोने से इसको सारी बारीकियाँ सिखाई। और पहले ही चांस में जब मुझे पता चला कि करौली में टूर्नामेंट हो रहे हैं स्टेट लेवल के तो मैंने इस बच्ची का आवेदन किया। इसका नाम आ गया। करौली से इसका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ राज्य स्तर से नेशनल लेवल तक।